सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के खिलाफ याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है। हालांकि अभी ये तय किया जाएगा कि कंपनी के अधूरे प्रोजेक्ट पूरा करने का जिम्मा नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को दिया जाए या नहीं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि अथॉरिटी आम्रपाली की जमीनों का लीज रद्द कर कब्जा ले और प्रतिष्ठित बिल्डर की मदद से प्रोजेक्ट पूरा करे। आज की हियरिंग में पहली चीज जो मैंने उठाई, मैंने कोर्ट को जो 49,000 होम बायर्स हैं उनकी तरफ से कोर्ट को मैंने धन्यवाद दिया कि हम लोग बड़े खुश हैं कि आप लोग ये प्रोजेक्ट जो रुका हुआ है, जो आधा अधूरा है, उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट लग लगा कर और एक निष्कर्ष पर पहुंची है कि ये प्रोजेक्ट, ये ज़मीन, ये लीज से आम्रपाली को तुरंत बर्खास्त कर और ये प्रोजेक्ट नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को दिया जाए। हमने कहा मैं करीबन 49,000 होम बायर्स की तरफ से इसका स्वागत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो आम्रपाली ग्रुप की सभी 15 प्रमुख आवासीय परियोजनाओं का मालिकाना हक नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को सौंप देगा, क्योंकि रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ने 42,000 परेशान होम बायर्स के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया। अदालत ने आम्रपाली ग्रुप की इन अधूरी पड़ी परियोजनाओं को गिरवी रखकर हजारों करोड़ का कर्ज बैंकों से लेने की बात भी उजागर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि आम्रपाली ग्रुप ने अपनी मर्जी से घर के खरीदारों से 11,652 करोड़ रुपए वसूल किए और इनमें सिर्फ 10,630 करोड़ रुपए ही अपनी परियोजनाओं के निर्माण में खर्च किए। वो इन हजारों होम बायर्स के अधिकारों को सुरक्षित करेंगे और आम्रपाली ग्रुप को इस परियोजनाओं से बाहर खदेड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम्रपाली ग्रुप ने घर के खरीदारों, अथॉरिटी और बैंकों के प्रति अपने किसी भी दायित्व का पालन नहीं किया। आम्रपाली समूह ने ना तो किसी प्रोजेक्ट को पूरा किया और ना ही उसमें पैसा लगाया है। अदालत मानती है कि आम्रपाली ग्रुप को इन संपत्तियों से अलग कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा को ये कह सकते हैं कि वो किसी और बिल्डर और डेवलपर को इस काम में लगाए और ठप पड़ी परियोजनाओं को पूरा करे, फिर उसके बाद इन संपत्तियों को अपनी निगरानी में बेच दे।